हेलो। हाँ ओके सो वेलकम टू अन अकेडमी पे आपका सबका स्वागत है। माय नेम इज़ दिलीप सिंह चौहान। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई लव टू टीच फिजिक्स। फिजिक्स इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। सो आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो। ओके सो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी ऐप और वहाँ मेरे को फॉलो कर सकते हो, और बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉलो कर सकते हो, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो अन अकेडमी को। बहुत सारी डेली लाइव क्लासेज वहाँ हैं, टेस्ट हैं लाइव, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं बहुत सारे, एंड इफ़ यू सब्सक्राइब तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे टीचर्स का। ओके जो आपको अच्छा लगता है, आपका फेवरेट टीचर, उससे आप पढ़ सकते हो। ये आपके रिनोड फैकल्टीज एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे जिनको नीट का बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इफ़ यू ज्वाइन, है ना। एंड यू कैन आइदर गो फॉर, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 12 मंथ्स प्लान और 24 मंथ्स प्लान, क्योंकि इतना टाइम लगता है नीट और JEE में। एंड यू कैन यूज़ माई कोड DS01 टू गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो SHM के बारे में बात कर रहे थे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। SHM के बारे में बात करी थी मैंने, ठीक है। SHM हम पढ़ रहे हैं आज, हम टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। मैंने बताया था SHM इम्पोर्टेंट क्यों है, फ्रॉम बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स से हमने स्टार्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th क्लास में AC जो चैप्टर है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, उससे ये कनेक्ट होता है। फिर 11th क्लास का चैप्टर है साउंड वेव्स, वहाँ भी ये काम आता है। एंड देन इन 12th क्लास आपका वेव ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में, उसमें भी ये काम आता है। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम शुरू से स्टार्ट करे थे, ठीक है। ये मैंने बोला था कि पूरी स्लाइड शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, सो प्लीज़ ज्वाइन। ओके बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ये अब तक हमने सब कुछ देखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड के बारे में, है ना। अलग अलग सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे हम। दीज आर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। टाइम पीरियड पढ़ेंगे, उसमें आपको पहले कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड थिंग्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कूल। सो स्टार्ट करते हैं टाइम पीरियड से आज। कैसे हो सब लोग? ओके हेलो स्वीटी, हाय मासूम, राजीव, तेजा, बिस्वजीत, अब्दुल, स्वीटी कसाना, विक्रम प्रताप सिंह, मदसिफ अली, हेलो हरिनी, हाय हेलो पुष्पम, गुड आफ्टरनून, म्यूज़िक थिंकिंग, हेलो धर्म साहू, हेलो मदसिफ, BSc में आप, कोई नहीं, साइलेंट गर्ल, हाय हेलो जय हिंद। ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइम पीरियड। हेलो CBI सलमान, CBI से हो क्या आप? प्रदीप, हाय हेलो प्रदीप, हेलो M हरिनी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके आई एम गुड प्रदीप, आप कैसे हो? हेलो नारायण सरोज, हाय हेलो ऋतुजा, कैसे हो आप सब लोग? तो टाइम पीरियड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड SHM में कैसे लिखते हैं और कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे इनको सोल्व करना है, ओके। बार बार इससे प्रॉब्लम पूछी जाती है, और हर चैप्टर में, फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको टाइम पीरियड की प्रॉब्लम मिल जाएगी। ओके हाय संजय, संजय अंजलि, हेलो अंजलि, CBI से सलमान, इधर क्या इंक्वायरी करेगा? बोर्ड्स को लेकर साइलेंट गर्ल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th इन 2 और 3 डेज। 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम बिल्कुल जीरो से, ओके सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। किसी का 12th क्लास अगर वीक है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके साइलेंट गर्ल, ओके संजीव, स्टार्ट करते हैं। स्वीटी, संजीत, कूल। चलिए सो टाइम पीरियड देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी सिंपली आपको कि सबसे पहले मैंने SHM की इक्वेशन लिखी थी। SHM की इक्वेशन, SHM की मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी आपको, d2x/dt² प्लस k/m इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर मैंने बोला था इस k/m क्वांटिटी को मैंने बोल दिया था ω², सो ω² इज k/m एंड ओमेगा हमारा आ गया था √k/m, ओके ओमेगा इज √k/m, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड जो आया था t इज इक्वल टू 2π/ω, तो ओमेगा आपका √k/m है, तो टाइम पीरियड बन जाता है 2π√m/k। ये सब लोगों को पता है, क्लियर है चीज, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है।
टू पाई इंटू एम बाई के, ये टाइम पीरियड आता है सिस्टम में अगर एम मास का पार्टिकल हो तो। ओके, जय हिंद जय भारत स्वीटी कसाना, कूल ठीक है। सो टू पाई इंटू एम बाई के था, तो मैंने बताया था कि जस्ट इन केस आपको ऐसा गिवन हो, ऐसी सिचुएशन गिवन हो कि आपको एक स्प्रिंग दे रखी हो और उस पर एक एम मास लटका रखा हो ऐसे, तो इसके लिए इस स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या हो, तो इसका टाइम पीरियड क्या लिखते थे, टू पाई अंडर रूट एम बाई के। ओके, फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, कि आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं कि इफ इस स्प्रिंग को मैंने मान लेते हॉरिजॉन्टल कर दिया ऐसे, हॉरिजॉन्टल के एंड एम, तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। बहुत ईजी है ये, टू पाई अंडर रूट एम बाई के, बी इज टू पाई अंडर रूट के बाई एम, सी इज वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के बाई एम, डी इज वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एम बाई के। बहुत ईजी है ये, बताओ बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। तो वर्टिकल था तो टाइम पीरियड टू पाई अंडर रूट एम बाई के है, अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है देन वॉट विल बी द टाइम पीरियड। आई एम गुड नयान जिले, हेलो हाय आप कैसे हो, हेलो वाइट गाय, वाइट गाय हेलो, सफ़ेद सफ़ेद गाय। ओके, काइनेटिक एनर्जी ई में डिस्टेंस को एस से भी डिनोट कर सकते हैं, येस डेफिनेटली यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एस स्क्वायर। हाँ सी बी आई सलमान आपको भूले नहीं ब्रो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे सवाल भी लेके आया हूँ मैं आपके लिए, है ना, जो हम लास्ट में करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, देखो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, ये देखिए एस एस एम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ये जो हम करने वाले हैं इस सेशन में। ओके, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच वी आर गोइंग टू सोल्व इन दिस सेशन। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड टेल मी कि इसका क्या आंसर आएगा, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो तो क्या आंसर आएगा इस केस में, क्या आंसर आएगा बोलो जल्दी फास्ट। हेलो शशांक इंडियन मैन, समीक्षा हाय हेलो, सी बी आई सलमान भूले नहीं आपको ब्रो। ओके, बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए, वर्टिकल में टू पॉइंट रूट एम बाई क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में टाइम पीरियड क्या होगा, फास्ट बोलो जल्दी जल्दी। सी बी आई चेक करने आई थी क्या, आई है क्या, हाँ यस, ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर होगा, ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट करने यूट्यूब पे फ्रॉम 12 और 13। हेलो विक्रांत, आदित्य हेलो आदित्य, बी इंडियन मैन इज सेइंग बी, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे प्रदीप, ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट करेंगे तो ऑप्टिक्स भी पढ़ाएंगे, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ाएंगे डेफिनेटली। डी सी ए, नारायण इज सेइंग ए, नारायण सरोज, बी इज द करेक्ट आंसर डी। कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है। हेलो अंगद, हेलो प्रियांशु, फास्ट बताइए। देखो वर्टिकल में टाइम पीरियड ये होता है, हॉरिजॉन्टल में टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इन दिस केस। बी आदित्य सिंह बी, हेलो सुजीत, हेलो प्रियांशु, अंगद कैसे हो आप, जल्दी बोलो फास्ट। हाय हेलो केडी गेमिंग नरूटो, हेलो नरूटो, प्रदीपी सिंह बी, सीबीआई सलमान, देखो वर्टिकल में स्प्रिंग थी तो टाइम पीरियड होता है टू पॉइंट रूट एम बाई के, अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। बी बिलाल अली सेइंग बी, नो देखो सबका गलत है, एक जने का आंसर सही है नारायण सरोज, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी सब लोग गलत हैं। हेलो छवि पमार, संदीप कुमार हेलो, गोल्डन गर्ल, गोल्डन साउल हेलो, हेलो सोनू चौरसिया, हेलो डायमंड किलर हाय, वेलकम सईद नायक, कश्मीर से हो आप, वेलकम। ओके, देखो सिर्फ एक जने का नारायण सरोज आपका करेक्ट है, बाकी सबका गलत है, सब लोग बी सी डी बोल रहे हैं, इसका आंसर ए होगा। ओके,
देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इफ स्प्रिंग इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, टाइम पीरियड आपका हमेशा ही रहेगा 2π√m/k, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में चेंज होने वाली कोई चीज ही नहीं है। एम और के दोनों ही डिपेंड नहीं करते हैं कि आप कैसे कैसे लटका रहे हो स्प्रिंग को, कैसे क्या कर रहे हो के, तो टाइम पीरियड ये रहने वाला है 2π√m/k। कूल, जिन लोगों ने भी बी सी डी बोले उनका गलत है, ध्यान रख लेना आगे से। ओके, यू शुड बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, 2π√m/k ही टाइम पीरियड होगा। चलो फास्ट एक और ये चीज बता दो मेरे को, अगर मैं ऐसा बोल देता इसको इंक्लाइंड प्लेन पे डाल देता मैं, इफ दिस इज स्प्रिंग और मैंने ऐसे कर दिया एम एंड दिस इज थीटा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू वॉट। ओके, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, फर्स्ट ए इज 2π√m/k, ऑप्शन बी इज 2π√m/k साइन थीटा, ऑप्शन सी इज 2π√m/k कोस थीटा, ऑप्शन डी इज 2π√m/k टेन थीटा। फास्ट बोलो इसका क्या आंसर आएगा। हेलो बृंदा, हाय। हेलो हेलो अथर्वा, बृंदा डॉक्टर कार्डियोलॉजी, हाय वंशिका, बोलिए क्या आंसर आएगा। अंजलि, ये मैंने कल भी बताया था, एक बार वापस टाइम पीरियड स्टार्ट कर रही है इसलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हारा। बोलो क्या आंसर आएगा इसका। साइली सेंग डी, पुनीति सेंग ए, मनसा जीएसई सेंग सी, प्रदीपी सेंग सी, शुभम शर्माई सेंग बी। सी ए, देखो बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं इसका भी आंसर। सिद्धांत ही सेंग ए, सलमान खान ही सेंग ए, सिद्धांत सीबीआई। हेलो सिद्धांत रोलान, यस करेक्ट, 2π√m/k इज करेक्ट, बाकी का गलत है। देखो ये सब आंसर गलत है, बी सी डी वाले आंसर सारे गलत है। ओके ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। देखो अभी तो बोला मैंने कि ये वाले जो है ना, ये चाहे वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो स्प्रिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रख लेना। वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, द टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 2π√m/k, कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो चाहे इंक्लाइंड हो। देखो इस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा 2π√m/k, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एम और के कोई कंपोनेंट थोड़ी होते हैं यार, समझ रहे हो। यस यू आर राइट, बोलो किसको दिक्कत है इसमें। इसमें तकलीफ है क्या 2π√m/k? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, हमेशा 2π√m/k ही रहेगा। कूल, हेलो कृतिका, हाय कृतिका, सिद्धांत, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। हेलो आर्मी बॉय, कैसे हो सब लोग, कूल। हेलो वंशिका, ठीक है ये टाइम पीरियड के बारे में बात थी। अब देखो
डायमेंशन से कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस। अगर आपको बोले टाइम पीरियड डिपेंड्स, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड जी, देन फाइंड टाइम पीरियड टी, दिस इज टी, यूजिंग डायमेंशन। ओके, सो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन तो सारे तुम लोग करेक्ट कर दोगे। ए इज टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, बी इज टू पाई अंडर रूट जी बाई एल, सी इज टू पाई अंडर रूट एल जी, डी इज नन। ओके, आपको आंसर याद है इसलिए डायरेक्ट बता दोगे, बट डायमेंशन से कैसे करना है वो मैं बता रहूँगा। ठीक है, तो डायमेंशन से किसको आता है तुम्हें कि नहीं आता ये डायमेंशन यूज करके? ठीक है, बोलो क्या आंसर आएगा। बोलो, ए टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ए बोल रही है सब लोग। यस, ए इज करेक्ट, सबको पता है ये, सबको आता है ये। ठीक है, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। ए इज करेक्ट, डेफिनेटली ए इज करेक्ट। ओके, देखो मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। कूल, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। देखो डायमेंशन एनालिसिस से कैसे यूज करके टू पाई अंडर रूट एल बाई जी लेके आते हैं हम। जैसे बोला है प्रॉब्लम में कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एल, तो लेट से एल की पावर ए और जी पे, जी की पावर मान लेते हैं बी पे। मुझे पता नहीं है कि एल और जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मैंने मान लिया एल एंड जी पे, एल की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, जी की पावर बी पे। डायमेंशन से कभी भी आपको फॉर्मूला निकालना हो तो यही मेथड यूज होगा। ओके, तो देखो कैसे क्या करना है। सो हम क्या लिखेंगे, टी, तो यहां से मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा के कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ, कांस्टेंट के। ठीक है, एल की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन होती है एल वन, पावर कितनी ए। जी, जी होता है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है एल अपॉन टी स्क्वायर, यानी एल टी माइनस टू। तो इसकी डायमेंशन लिख दो एल टी माइनस टू, पावर कितनी बी। ठीक है, टाइम की डायमेंशन कितनी होती है, यहाँ लिख सकते हैं एम जीरो, एल जीरो है नहीं, टी की पावर कितनी है वन है, इज इक्वल टू, यहाँ देखो कितनी है एल की पावर, देखो एल की पावर ए तो यहाँ से आ गई, बी यहाँ से आ गई, तो एल की टोटल पावर क्या हुई ए प्लस बी। टी की देखो यहाँ पावर है नहीं, यहाँ कितनी हुई माइनस टू, तो ये कितनी हुई माइनस टू बी, यह समझ आना चाहिए। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ से एल की पावर ए प्लस बी है और यहाँ कितना है जीरो है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी, ए प्लस बी इज जीरो। ठीक है, और माइनस टू बी कितना है वन है, सो माइनस टू बी, टी के ऊपर माइनस टू बी है ना, तो माइनस टू बी यहाँ टी के ऊपर वन है, तो इज इक्वल टू वन, तो बी कितना आ गया यहाँ से माइनस वन बाई टू, और ए कितना, ए ए इज माइनस बी। ठीक है, तो ए अगर माइनस बी है तो बी आपका हो गया माइनस वन बाई टू, ए हो गया आपका माइनस बी, तो माइनस वन बाई टू इंटू माइनस कितना हो जाएगा वन बाई टू, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू और बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन बाई टू। तो हमारा टाइम पीरियड क्या बन गया, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, तो एल की पावर ए, ए यानी वन बाई टू लिख दिया, इंटू
जी की पावर कितनी, माइनस वन बाई टू लिख दिया, माइनस वन बाई टू, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन जी हो गया, तो एल की पावर वन बाई टू होगी, जी की पावर माइनस वन बाई टू होगी, नीचे लाएंगे ना इसको, इस कॉन्स्टेंट को हटाओगे तो क्या आ जाता है, टू पाई, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। बोलो ये मैंने क्या किया है, डायमेंशन से कैसे कर दिया, ये समझ आया कि नहीं आया? बोलिए हेलो छाया कांता, हेलो बोलिए, मैंने क्या किया है, डायमेंशन से यूज करके ये फॉर्मूला बनाया मैंने, समझ आया कि नहीं आया? ओके बताओ, ये डायमेंशन का यूज करके मैंने टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया है, अगर क्लियर है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके कूल, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, और ये दिक्कत है तो मेरे को बोलिए वरना आगे बढ़ते हैं। तो टू पॉइंट रूट एल वाई जी आपका आ गया, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, ए से, और इसके अंदर सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसका मास कितना, एम है, ठीक है। लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो आपको बताना है टाइम पीरियड कितना होगा पेंडुलम का, टाइम पीरियड, तो ऑप्शन ए इज टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऑप्शन बी इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, ऑप्शन सी इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, ऑप्शन डी इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन ए। लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, फास्ट बोलिए क्या टाइम पीरियड आएगा। फास्ट बी, सैयदी सेइंग बी, अंगदी सेइंग बी, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो और बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। बी 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 कार्डियोलॉजी, स्वीटी कसाना इज सेइंग बी, छाया कांता सेइंग बी, अंगद बी, राजकुमारी सेइंग सी, सैयद इज सेइंग बी, बी डॉक्टर कार्डियोलॉजी, ए बी सी डी, भाई ए बी सी डी नहीं बुलानी इधर, प्रियदर्शनी सिंह बी, कार्डियोलॉजी के डी, सब लोग बी बोल रहे हैं, यस बी इज करेक्ट, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। देखो क्यों, हम जानते हैं जब भी कोई फ्रेम एक्सलरेट होती है तो आप यहाँ अगर अंदर बैठेंगे तो, अंदर बैठेंगे तो स्यूडो फोर्स लगेगा हमेशा, है ना, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो, ए ऊपर है
तो नीचे देखो, पहले तो फोर्स कितना लगता है, अगर mg फोर्स लगता है सिर्फ सिंपल पेंडुलम पे, सिर्फ mg लगता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखो यहाँ नीचे mg तो है ही है, साथ में एक स्यूडो फोर्स लगेगा, कितना एम ए, किधर की तरफ होता है वो, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ऊपर है, जैसे गाड़ी आगे चलती है तो धक्का किधर लगता है, पीछे, वैसे ए ऊपर है तो धक्का किधर लगेगा, नीचे, तो एम ए किधर लगेगा, नीचे, एम ए। तो नेट एक्सेलरेशन जो नीचे आएगा वो कितना हो जाएगा, ए प्लस जी, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव लिखते हैं अपन, है ना, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, ठीक है, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो किसी को दिक्कत है क्या इसमें, यस बी इज करेक्ट, ठीक है, बी फॉर बबीता। हाँ बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, फास्ट बोलो। ओके चलो देखो नेक्स्ट, फिर सेम ऐसा ही, अगर ऐसा हो जाता नेक्स्ट, इस पे दो तीन केस ले लेते हैं। अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती ए से, तब टाइम पीरियड क्या होगा, बोलो टाइम पीरियड फिर क्या होगा, नीचे आ रही हो तो क्या होगा, नीचे आएगी जब क्या आएगा, ए इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, लास्ट वाली ऑप्शन है फिर से, सी इज 2 पाई अंडर रूट एल जी माइनस ए, डी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए। इस केस में क्या आएगा, सी सेम ही सेइंग सी, प्रतीक्षा ही सेइंग सी, अंगद ही सेइंग सी, वृंदा ही सेइंग सी, स्वीटी ही सेइंग सी, हाँ सेम पहले जैसा ही है ये, एग्जैक्ट सी इज करेक्ट आंसर, प्रतीक्षा सही, यस सी इज करेक्ट, सबका सही है, इजी है ये, उसमें कुछ नहीं है, सी करेक्ट है। देखो इस केस में क्या रहेगा, इस केस में ए नीचे है तो एम ए किधर लगेगा, ऊपर, नीचे कितना है एम जी, तो नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना हुआ एम जी, और ऊपर हुआ एम ए, तो टोटल फोर्स कितना है डाउनवर्ड्स, एम जी माइनस एम ए, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया इफेक्टिव, जी माइनस ए, तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, जी माइनस ए। ओके किसी को दिक्कत हो तो बोल देना, कूल। अब अगर सेम प्रॉब्लम आपको ऐसे दे देते, सेम प्रॉब्लम अगर आपको ऐसे दे देते कि ये कोई व्हीकल है, इसके अंदर ये पेंडुलम है, ठीक है, अभी एक्सेलरेट हो रही है इधर ए से, तो इस केस में टाइम पीरियड क्या आएगा, टी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ए इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, सी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए, डी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इस केस में बोलो क्या आएगा, फास्ट बोलो, डी डी फॉर डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर कार्डियोलॉजी, प्रतीक्षा, संदीप, सुजीत, सैयद, डी डी बोल रही है जनता, डी यस डी इज करेक्ट, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सभी लोगों का सही है, डी करेक्ट है। देखो ऐसा क्यों, इस बार देखो एम जी तो नीचे लगेगा, एम जी तो नीचे लगेगा,
बट सूडो फोर्स किधर लगेगा, ए इधर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एम ए इधर लगेगा और एम जी किधर लगेगा, नीचे। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा इस बार, 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, जब भी 90 डिग्री एंगल हो तो आपका ए इधर एक्सेलरेशन, एक जी किधर है, नीचे है, तो 90 डिग्री है, तो दोनों को कैसे ऐड होंगे, डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, कैसे होंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इफेक्टिव कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, जी इफेक्टिव कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो, इजी है। बोलिए किसको दिक्कत है इसमें, इजी था, बहुत इजी है यार ये तो, कूल। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल देना, वापस बता दूंगा मैं। सेम तरीके की प्रॉब्लम देखो एक और आती है, अगर सर्कुलर मोड दे रखा हो आपको, मान लो ये सर्कुलर है, जो ट्रैक है ना, सर्कुलर ट्रैक है, और इसकी रेडियस है आपकी आर, ठीक है, दिस इज सर्कुलर ट्रैक, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का, और यहाँ पे गाड़ी है जिसमें आपका पेंडुलम है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वी है, वी, ठीक है, आर रेडियस है। सो इस केस में आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का, अगर इस गाड़ी में पेंडुलम रखा हो तो। सो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऑप्शन बी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन सी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस वी स्क्वायर बाई आर की पावर 1/2, ठीक है, ऑप्शन डी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस वी फोर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 1/2, कौन सा ऑप्शन आएगा इस केस में। बोलो कौन सा आंसर आएगा इस केस में। ये सर्कुलर है ना इसका ट्रैक, अथर्वा इज सेइंग सी, अभी देखते हैं अथर्वा। फास्ट बोलो, डी, प्रतीक्षा इज सेइंग डी, अथर्वा इज सेइंग सी, डॉक्टर कार्डियोलॉजी डी, विशाल इज सेइंग सी, संदीप इज सेइंग सी, हाँ जस्टिन, जस्टिन पी बेनी, हेलो हेलो ब्रो, हाँ याद है, हेलो अंकित कुमार, बी और सी में से अथरवा इज सेइंग, अंसारी सेइंग डी, जस्टिन इज सेइंग सी, डी फॉर डांस, केडी इज सेइंग डी फॉर डांस, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, लोग बोल रहे हैं सी, बी, डी भी बोल रहे हैं कुछ लोग, तो ज्यादातर लोग बी सी डी में से बोल रहे हैं। अभी देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। डी, प्रतीक्षा इज सेइंग डी, यस अथर्वा आपका गलत है, बी और सी दोनों ही नहीं होंगे, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट। देखो किन किन लोगों ने दिया है डी, डी दिया है प्रतीक्षा ने, गोल्डन साउल आपने भी डी दिया है,
अंसारी डी दिया आपने भी, डॉक्टर कार्डियोलॉजी आपने भी डी बोला है, आप लोगों का सही है, बाकी जनता का गलत है। ठीक है, हाँ केडी पबजी खेलते हैं, डी डी इज करेक्ट। देखो कैसे, यहाँ पे देखो सर्कुलर पाथ है ना, तो यहाँ पे आपको पता है एमजी तो किधर लगेगा, नीचे लगेगा पेंडुलम पे, ठीक है। और जो स्यूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो, वो हमेशा ए जो आपका सेंट्रिपिटल किधर है, इधर है एसी, तो फोर्स किधर लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो कितना होगा एम ए सी, और यह लिख सकते हैं हम एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो इतना फोर्स लगेगा, तो दो एक्सेलरेशन है अपने पास, एक तो कहाँ पे है नीचे कितना है जी, एक स्यूडो है वी स्क्वायर बाई आर फोर्स इधर, ठीक है। तो ये दोनों कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे, तो नेट कैसे निकालोगे, जी इफेक्टिव कैसे आएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इसका जी का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या बनेगा, वी फोर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपना टाइम पीरियड क्या बन गया, टी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, ये देखो जी स्क्वायर प्लस वी फोर अपॉन आर स्क्वायर, और रूट को क्या लिख दो इसकी पावर 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। बोलो इसमें किसको तकलीफ है, आई होप दिस इज क्लियर। प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, एक फौजी भी आ रहा है, अक्षय कुमार लेके आ रहा है ना, फौजी ला रहा है, कौन सा ला रहा है, एक गेम ला रहा है वो, ऐसा ही कुछ। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है क्या, ओके कूल, हेलो लग्जरी, इफ एनी वन हैव प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, वरना आगे बढ़ते हैं। विशाल दिस इज नॉट काइनेमेटिक, दिस इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैकेनिक्स के सबसे एंड में आता है ये। ओके, ये मंगल ग्रह से कौन है, केडी मंगल ग्रह से है क्या तुम, हेलो प्रिंसेस हाय, समझ गए आचार्य, ओके okay. अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस तेज रखा करो, है ना, तो आपको थोड़ा साफ दिखेगा। ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये मान लेते हैं सिंपल पेंडुलम है, इस पे चार्ज कितना दे दिया, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, एंड मास कितना है इसका, एम है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी, एल। अब हमने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, नीचे, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स, ई इज डाउनवर्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इस केस में टाइम पीरियड बताना आपको क्या आएगा, टाइम पीरियड, ठीक है। सो ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम, ऑप्शन बी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम, ऑप्शन सी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ऑप्शन डी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन क्यू ई बाई एम। बोलिए, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ए प्रतीक्षा इज सेइंग ए, जहीर इकबाल इज सेइंग, जहीर इकबाल इज सेइंग ए, केडी इज सेइंग बी फॉर ब्रेड, अथरवाइज सेइंग ए, ए बोल रही है जनता, है ना, अभी देखते हैं।
ए, विशाल इज सेइंग ए, ए, अंगद इज सेइंग ए, यस ए इज करेक्ट, ए करेक्ट है, बहुत एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो के कैसे इस वाले केस में देखो, हमेशा इलेक्ट्रिक, अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इस पे इधर फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई। ओके तो अभी देखो अपना जो पेंडुलम वो किस किधर है, ऐसे है वर्टिकल, तो एम जी तो नीचे ही लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, नीचे है, ई। चार्ज कितना है इस पे, क्यू, तो नीचे फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। तो इस पे टोटल फोर्स कितना हो गया, एफ नेट कितना हो गया, एम जी प्लस क्यू ई। तो ए, यहाँ इसको बोल सकते हैं एम इंटू ए नेट इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू ई। तो यहाँ से देखिए ए जो है नेट एक्सेलरेशन जो है आपका कितना आएगा, एम से एम कैंसिल आउट होगा, एम डिवाइड कर दो, तो जी प्लस नीचे आएगा क्यू ई बाई एम। ठीक है, तो ये ए नेट हो गया आपका, तो क्या बन जाएगा, टू पाई अंडर रूट एल अपॉन, सो टी विल बी टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम। ओके तो ये आपका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, सो ए इज करेक्ट। बोलो किसी को तकलीफ है क्या इसमें, क्या किया मैंने, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज टेल मी, वरना आगे बढ़ते हैं। यस यस अंगद करेक्ट, समगेल इसका। बोलिए, हेलो मोनिका, हाय। इसमें दिक्कत है तो बोलिए वरना आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर। सेम अगर ये ऊपर हो जाता तो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है ऊपर हो जाता, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर होता तो क्या हो जाता, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड्स, ठीक है, ई अगर ऊपर हो जाता, ई इस पे चार्ज क्यू है, तो इस बार क्या होगा, नीचे फोर्स कितना लगेगा, एम जी, ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। तो नेट फोर्स इस बार नीचे की तरफ कितना आएगा, एम जी माइनस क्यू ई। ठीक है, तो ए नेट इस बार कितना आ जाएगा, जी माइनस क्यू ई बाई एम। ओके तो इस केस में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी विल बी टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम। ओके ये आपका आंसर आ जाएगा इस वाले केस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा तो। क्लियर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नीचे है तो टू पाई अंडर रूट एल प्लस एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम आएगा, और ऊपर होगा तो कितना आएगा, जी माइनस क्यू ई बाई एम। ओके यस करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ऐसे हो पेंडुलम प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इस बार, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ई इस डायरेक्शन में है, एल लेंथ है, ठीक है, एम मास है, तो इस बार टाइम पीरियड क्या आएगा, टी इज इक्वल टू व्हाट, इस बार देखो क्या आएगा। सो ए ऑप्शन इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन क्यू ई बाई एम, बी इज टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, सी विल बी टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर की पावर 1/2, डी इज नन। बोलो इस बार क्या आंसर आएगा, हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार। सी, हर्ष पाटिल इज सेइंग सी, सार्थक इज सेइंग टी एम के ओ सी, सी बी, अंगद इज सेइंग सी, जाहिर इज सेइंग बी, हर्ष इज सेइंग सी,
सी 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 बोल रहे हैं सब लोग। यस सी इज करेक्ट, सी एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। देखो कैसे, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हॉरिजॉन्टल में है, तो फोर्स क्यू ई किधर लगेगा, इधर हॉरिजॉन्टल में। एम जी किधर है, नीचे है, तो कितना लगेगा एम जी, एम से डिवाइड कर लो तो एक्सेलरेशन आ जाएंगे दोनों डायरेक्शन में, तो इधर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है आपका जी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्यू ई बाई एम। ओके, तो आपका नेट जो आएगा ए नेट, वो क्या जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके रूट में ऐड कर दो, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी इफेक्टिव हो गया, तो 2 पाई एंड रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव ये आंसर होता है, तो 2 पाई एंड रूट एल अपॉन ये आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी इज करेक्ट। बोलो किसी को दिक्कत है क्या इसमें, बहुत इजी है। ओके कूल, ठीक है। ये देखो ये सारे केसेस हो सकते हैं आपके, एक मेज द कॉलम दे देता हूँ मैं, मेज द फॉलोइंग लिस्ट, मेज द लिस्ट। आपको पेंडुलम गिवन है, इसका मास है एम और चार्ज कितना है माइनस क्यू। ठीक है, एम मास चार्ज क्यू है माइनस क्यू है, तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इधर, ए ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जो आपका अपवर्ड है इसे, बी में है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका डाउनवर्ड्स है नीचे, सी में है आपका ई जो है हॉरिजॉन्टल में ऐसे, डी में है ई इज इक्वल टू जीरो। तो आपको बताना है कि इस वाले केसेस में टाइम पीरियड क्या क्या आएंगे। सो वन इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, दूसरे में है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम, थर्ड इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई बाई एम, फोर्थ है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर की पावर 1/2। तो आपको बताना है कौन सा किस किस से मैच होगा, ए बी सी डी किससे मैच होगा, ए बी एंड सी डी किससे मैच होगा, ए बी सी डी किसके साथ मैच होगा। ओके आपको बताना है ए इससे मैच होगा, बी इससे मैच होगा, सी इससे मैच होगा। फास्ट लिस्ट मैच करिए कि ए के साथ क्या मैच होगा, बी के साथ क्या मैच होगा, सी के साथ क्या मैच होगा और डी के साथ क्या मैच होगा। ओके 3 2 4 1, वृंदा इज सेइंग 3 2 4 1, अथर्वा इज सेइंग 2 3 2 4 1। आर्मी बॉय इज सेइंग 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, सब लोग 3 2 4 1 बोल रहे हैं, कोई 3 2 4 1 से अलग बोलने वाला है क्या। थ्री टू फोर वन, हेलो अनुराग, 1 2 3 4 5, भाई गिनती थोड़ी बोलनी है, 3 2 4 1, सबका गलत है, सबका गलत है, जितने लोग दिए आंसर सबका गलत है, वापस चेक करो, वापस आंसर दो। सबका गलत है, 3 2 4 1 इज रॉन्ग। गुड आफ्टरनून अनुराग, बोलो क्या कौन सा किससे मैच होगा,
2314, ये भी गलत है। लग्जरी 2341, जहीर इकबाल इज सेइंग 2341। यस 2341 इज करेक्ट, 2341 सही है। जहीर इकबाल अथर्वा, हाँ 2341 इज करेक्ट। देखो कैसे, इस बार ये माइनस चार्ज है, ये ध्यान रखना है भाई। पिछली बार प्लस चार्ज था, तो इसका मतलब ये है। देखो पहले केस में, फर्स्ट केस में ई किधर है, ऊपर है। फर्स्ट में ई इज अपवर्ड, तो ई अगर ऊपर है तो माइनस क्यू है ये। तो इस पे देखो एम जी तो नीचे लगेगा, एम जी ऐसे लगेगा, बट क्यू ई किधर लगेगा, नीचे लगेगा। हमेशा माइनस क्यू चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो क्यू ई किधर लगेगा, नीचे। तो इस बार क्या आएगा, क्यू ई बाई एम प्लस जी आ जाएगा इस केस में। तो इसका मतलब ये कौन से कनेक्ट होगा, दूसरे से कनेक्ट होगा, तो दूसरे से कनेक्ट होगा ए। ठीक है, फिर बी में ई किधर है, नीचे है। ई अगर नीचे है तो माइनस क्यू पे देखो, नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, एम जी। ऊपर लगेगा फोर्स, अपोजिट लगता है फोर्स नेगेटिव पे, क्यू ई बाई एम, सॉरी क्यू ई लगेगा, है ना, क्यू ई लगेगा ऊपर की तरफ इस बार। तो इस बार देखो क्या बनेगा, इस बार आपका टोटल बनेगा जी माइनस क्यू ई बाई एम, जी इफेक्टिव। ठीक है, इस वाले केस में जी इफेक्टिव ये है। तो अब किससे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा थ्री से। तो टू एंड थ्री, फिर हॉरिजॉन्टल में होता है जब, तो आपको पता ही, हॉरिजॉन्टल में देखो थर्ड वाले में, इस माइनस क्यू पे एम जी तो नीचे लगेगा, क्यू ई किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर। तो 90 डिग्री पे है, तो इसका जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, अंडर रूट में दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये जी इफेक्टिव होगा। तो ये किससे कनेक्ट होगा, फोर्थ से। तो सी किससे कनेक्ट होगा, फोर्थ से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सिंपली 2π√L/g हो जाएगा, ई है ही नहीं, तो कौन से कनेक्ट हो जाएगा, वन से। तो 2341 इज करेक्ट। बोलो दिक्कत है क्या किसी को इसमें, बोलो इजी है, ओके। किसी को दिक्कत हो तो बोलना है इसमें, कूल। अब देखो, अब हम लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जिनको आपको बताना है कि क्या क्या आंसर आएंगे इसके। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, बोलना है कि कौन सा जो है आपका इसमें से स्टेटमेंट जो है सही है। बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। मनीष इज सेइंग वन, अभी देखते हैं। मनीष गुप्ता क्या बताना वापस से,
बोलो क्या आंसर आएगा इसका, कौन सा करेक्ट है इनमें से? हाँ फास्ट बोलिए फास्ट। बोलने से मत रुका करें, बोलते जाएं मतलब। ओके बोलो फिर जल्दी से आंसर दो इसका। आर्मी बॉय क्रिस, क्या आंसर आएगा? तुम कौन से क्लास में हो सब लोग? 1 1 2 नीट स्टूडेंट इज सेइंग 1, मनीष गुप्ता 1, जयर इकबाल 2, मोनिका इज सेइंग 1, प्रतीक्षा इज सेइंग 1 1। कूल कूल, 1 बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। फास्ट बोलो फास्ट। 12th। फास्ट आंसर दो सब लोग। 1 2 स्वीटी सिंह 1। ए 12th। ए यस, ए इज करेक्ट। जिन लोगों ने ए आंसर दिया उनका करेक्ट है, ए इज करेक्ट आंसर। देखो कैसे ए करेक्ट, कैसे वन वन इज करेक्ट। देखो कैसे, आपको पता है कि ये तो एम्पलीट्यूड है ये वाला पॉइंट तो, और ये है मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका मतलब मीन पोजीशन है ना, ये वाली मीन पोजीशन है, ये भी मीन पोजीशन है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये मीन पोजीशन है। अब देखो पहला क्या है, फोर्स इज 0.83t/4, ये 3t/4 है, तो 3t/4 पे ये क्या है, मीन पोजीशन है ना, एक्स 0 है, 3t/4 पे एक्स 0 है, ठीक है। सो अगर एक्स 0 है इसका मतलब फोर्स क्या होता है, फोर्स इज माइनस के एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाकी भी पढ़ लेते हैं हम, तो पहला तो सही है। दूसरा देखो, एक्सेलरेशन इज मिनिमम 8 4t/4, 4t/4 का मतलब टी बोला है ना, तो टी पे क्या है, एम्पलीट्यूड है, 4t/4 पे, टी पे तो एम्पलीट्यूड पे है ना, तो टी पे तो आपका एम्पलीट्यूड पे रहेगा पार्टिकल, तो एम्पलीट्यूड पे रहेगा। एम्पलीट्यूड पे क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड पे फोर्स बोला कि एक्सेलरेशन बोला, एक्सेलरेशन बोला है, ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स की वैल्यू ए रखोगे तो ये मैक्सिमम होता है एक्सेलरेशन। ओके सो एम्पलीट्यूड पे ए कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए ये गलत हो गया, मिनिमम नहीं होता, ये रॉन्ग है। फिर वेलोसिटी इज मिनिमम 8t/t/4, t/4 क्या है, मीन पोजिशन है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, कितनी रहती है, ए ओमेगा रहती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो गया, गलत। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट t/2। t/2 कहाँ है, t/2 देखो ये रहा एम्पलीट्यूड पे, तो एम्पलीट्यूड पे देखो, एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक कितनी होती है, 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर। तो ये भाई दोनों इक्वल कैसे हुई, एक 0 है कि हाफ के ए स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बोलो किसी को दिक्कत है क्या इसमें? इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? ओके आगे बढ़े फिर। ओके हेलो, हाय अनीता रावत, हेलो, क्लियर है? रिपीट करें मोहम्मद इकबाल, कौन सा, 2 सेकेंड वाला रिपीट करें। एक्सेलरेशन इज मिनिमम 8t इज इक्वल टू 4t/4, 4t/4 का मतलब टी, टी है, टी पे कहाँ पे, एम्पलीट्यूड पे, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो एम्पलीट्यूड पे ए आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो एम्पलीट्यूड पे फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, एम्पलीट्यूड पे फोर्स सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा खींची रहेगी ना स्प्रिंग, तो ए क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन। फर्स्ट
क्या आंसर आएगा बोलो। थ्री, अनिता इज सेइंग थ्री। अभी देखते हैं, सी सी थ्री, सी सी बोल रहे हैं सब लोग। सी 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 सी, यस सी इज करेक्ट। सी दिया है सब लोगों ने आंसर, सी इज करेक्ट। पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सन के अराउंड, ये अपना सन है, स्टार जो अपनी सोलर सिस्टम का है, अर्थ यहाँ पे है। तो अर्थ यहाँ से बार 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 इसके अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक है। ये बार बार इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब पीरियोडिक रिपीट हो रहा है ना, हर 365 डेज के बाद जो इसका मूवमेंट है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब पीरियोडिक है ये, डेफिनेटली पीरियोडिक है। एसएचएम है क्या? नहीं, एसएचएम होता है जहाँ फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ फोर्स क्या होता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। सो दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज पीरियोडिक मोशन। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट ये बताइए, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर पार्टिकल्स आर गिवन बिलो। विच वन ऑफ द पार्टिकल्स इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? अनिता रावत 3 PM, डेली 3 PM पे लाइव आते हैं। वृंदा इज सेइंग डी, डी शिशिर, अथर्व इज सेइंग डी, अनिता इज सेइंग वन, आत्माराम भिड़े हेलो ब्रो कैसे हो, जहीर इज सेइंग डी। डी 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 आंसर दे रही है जनता, फास्ट फास्ट, इजी यार, बहुत इजी है। लाइक प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट, यस डी करेक्ट है। देखो सब लोगों का आंसर करेक्ट है, डी। मैंने क्या बोला, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए एसएचएम के लिए, ठीक है, एफ माइनस के एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एफ के लिए आपको सबसे पहला होना चाहिए माइनस के एक्स। अगर ऐसा हो कि एफ प्लस के एक्स है तो भी एसएचएम नहीं होगी, एफ प्लस के एक्स स्क्वायर है तो भी एसएचएम नहीं होगी, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो, यहाँ के कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है, प्लस है तो ये नहीं होगा, स्क्वायर है प्लस है इसलिए ये नहीं होगा, स्क्वायर है इसलिए माइनस है कोई बात नहीं, बट स्क्वायर है इसलिए नहीं होगा। यहाँ माइनस भी है और एक्स भी है, तो माइनस के एक्स। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के कितना आ जाएगा इसका, टू आ रखा ना, तो डी इज करेक्ट। कूल है, ओके okay। हाँ शिशिर, मोटिवेशन वीडियो बनाएंगे, ये बताओ फास्ट। ये बोलो फास्ट, क्या आंसर आएगा इसका?
ए बाई टू तक कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, ठीक है। ए बाई टू तक कितना टाइम लगेगा, ये मैंने फेजर बताया था, उससे आप कर सकते हो बहुत इजीली। सी सी अथर्वाई सेइंग सी, सिसिर इज सेइंग सी, अनिता इज सेइंग सी, अंगद इज सेइंग सी। अभी देखते हैं सी आएगा क्या आएगा। अनिता SHM है यार, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th क्लास का चैप्टर है। तबस्सुम इज सेइंग सी सी, डॉक्टर कार्डियोलॉजी सी पंत। अनिता मैंने पढ़ाया, शुरू से पढ़ाया ये। यस सी इज करेक्ट, जिन लोगों ने सी आंसर दिया T/12 इज करेक्ट। देखो कैसे, आपको मैंने बताया था ये माइनस ए होता है, हमेशा ऐसे सवाल करने हो तो सबसे पहले ये बनाओ माइनस ए प्लस ए और ये जीरो, इक्विलिब्रियम पोजिशन ये होगी। आपको कहाँ पहुँचना है, ए बाई टू पे पहुँचना है। ओके सो ये है ए बाई टू, यहाँ तक जाना है। तो इस जगह से स्टार्ट करके यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था आपको फेजर डायग्राम से सर्कल बनाना है आपको। ओके सर्कल बना दिया। अब देखो मैंने प्रोजेक्शन से बताया था कि ए बाई टू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना ए बाई टू। ये जीरो है, ये आपका प्लस ए है, ये आपका माइनस ए। ए रेडियस का सर्किल बनाना है। अब देखो ये वाला पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है तो ये घूम के यहाँ आएगा जब, तभी तो ये वाला पार्टिकल जो है SHM वाला किधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, ये ए बाई टू है। तो देखो ये ए बाई टू हो गई और ये ए है, सो दिस इज ए बाई टू। इस ट्राइंगल को अगर ये थीटा हो तो देखो ये ए बाई टू है, ये ए है, ये अगर थीटा हो तो कोस थीटा कैसे लिखोगे, कोस थीटा इज इक्वल टू ए बाई टू अपॉन ए। तो ये कितना बनेगा 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा पाई बाई थ्री आ जाएगा ना। तो ये वाला एंगल जो है वक्का आ गया पाई बाई थ्री, तो हमें चाहिए ऊपर वाला एंगल, ये ध्यान रख लेना, हमें ऊपर वाला एंगल चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई सिक्स, सो दिस एंगल इज पाई बाई सिक्स। तो अगर हमें कितना एंगल घूमना है पाई बाई सिक्स, अगर ये वाला घूमेगा पार्टिकल तो SHM वाला कहाँ जाएगा, वो तो घूमेगा पाई बाई सिक्स यहाँ से यहाँ, SHM वाला यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे। तो थीटा कितना आ गया अपने पास पाई बाई सिक्स, तो थीटा होता है ओमेगा इंटू टी, तो पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू ओमेगा होता है आपका 2π/T इंटू टी। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई T/12। बोलो क्लियर है क्या ये। ए बाय रूट टू के लिए कितना हो जाएगा, देखो पाई बाई फोर T/8 हो जाएगा ए बाय रूट टू के लिए, आत्माराम। ठीक है ए बाय रूट टू के लिए T/8 होगा। बोलो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी इज करेक्ट। किसी को तकलीफ है तो प्लीज बोलना वरना आगे बढ़ते हैं। फेजर का मेथड मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं फेजर्स पे, जिसपे मैंने बता रखा है। ओके कूल किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। नीट स्टूडेंट इज सेइंग पाई बाई सिक्स कैसे होगा, देखो ये वाला एंगल तो पाई बाई थ्री समझ आएगा, ये ए बाई टू है, ये ए बाई टू है और ये ए है, तो ये ए बाई टू ए, तो ये एंगल पाई बाई थ्री हो गया, तो टोटल 90 है।
तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री, तो ऊपर वाला कितना बन गया, पाई बाई सिक्स बन गया ना। तो ये जितना घूमेगा पाई बाई सिक्स, उतनी दूर ये जाएगा इधर। ओके, सो पाई बाई सिक्स हो गया थीटा। ठीक है नीट स्टूडेंट, कूल है। अबे बागड़े, मैगी खाएला गिली का। ओके ग्रेट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ई के एंड द पोटेंशियल एनर्जी ई पी ऑफ ए हार्मोनिकली ऑसिलेटिंग पॉइंट फॉर द मोमेंट टी इज इक्वल टू टी बाई 12, वेयर टी इज टाइम पीरियड। बोलिए। बोलो। बोलिए क्या आंसर आना चाहिए इसका, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सब लोग बोलेंगे इसको, अच्छा सवाल है ये। हेलो लूसीफर, सी आंसर विल बी सी। कमलेश इज सेइंग आंसर विल बी सी। नीट स्टूडेंट इज सेइंग 1। जहीर इकबाल इज सेइंग सी। मोनिका इज सेइंग सी। अथर्वा इज सेइंग सी। अभी देखते हैं। मनासा जीएस इज सेइंग 1। नीट स्टूडेंट इज सेइंग सी 1। आत्माराम इज सेइंग सी। हेलो गीता, ओके जनता सी बोल रही है, कुछ 1 बोल रहे हैं, ए और सी में से आंसर ज़्यादा बोल रहे हैं। अभी चेक करते हैं क्या आना चाहिए। सी सी, ए और सी बोल रहे हैं लोग। अनुराग गायकवाड़, 105 क्या होता है भाई, आज किस किस का मैच है, आज किसका मैच है, अच्छा मैच है क्या आज, कोई कल वाला अच्छा हुआ था मैच। सी सी बोल रही है जनता। डीसी वर्सेस आरआर का है क्या, ओके तो अच्छा होएगा फिर। सी फॉर चॉकलेट, यस सी फॉर चॉकलेट इज करेक्ट। जिन लोगों ने सी फॉर चॉकलेट आंसर दिया है उनका करेक्ट है। देखो अभी तो अभी देखा टी बाई 12, टी बाई 12 पे कहाँ होगा पार्टिकल, अभी तो देखा टी बाई 12 पे कहाँ पे होगा, ए बाई 2 पे होगा, यही तो सवाल था है ना। ए बाई 2 पे कहाँ पे होगा, टी बाई 12 का मतलब क्या हो गया, ए बाई 2, ये तो पिछले बार से ले लिया मैंने। टी बाई 12 पे पार्टिकल कहाँ रहेगा, ए बाई 2 पे रहेगा। ठीक है ये पिछले सवाल से ले लिया मैंने। अब देखो x कितना आपका, a बाई 2 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिकल कहाँ है देखो, ये माइनस ए, ये प्लस ए, ये आपका x इक्वल टू कितना है 0, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है a बाई 2। टी बाई 12 की बात करें ना, तो हम इसकी मतलब किसकी बात कर रहे हैं, a बाई 2 की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं सबसे पहले, तो पोटेंशियल लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स कितना है, ए बाई 2 स्क्वायर कर दो, बोलो कितना बन गया, ये 1 बाई 8 बन गया ना, 4 इंटू 2,
वन बाई एट बन गया, ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई फोर बनेगा, तो ये बन गया 1/8 के ए स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल आप जानते ही हो कितनी होती है, 1/2 के ए स्क्वायर होती है माइनस 1/8 के ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो सोल्व करो इसको कितना आना चाहिए, 1/2 माइनस 1/8, ये नीचे आ जाएगा 8, 4 माइनस 1 3/8 के ए स्क्वायर हो गई है, ठीक है। तो काइनेटिक आ गई 3/8, पोटेंशियल आ गई 1/2, तो इनका रेशियो निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, बोलो क्या आना चाहिए, 3/8 के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/8 के ए स्क्वायर। तो 8 8 कट गया, के ए स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया, 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3। बोलो इसमें किसी को तकलीफ है क्या, तकल्लुफ इसमें दिक्कत है क्या किसी को, प्लीज बोलिएगा। बोलो 3/8 कैसे हुआ, देखो देखो कैसे हुआ 3/8। पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई 1/2 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, ए बाई टू, तो ए बाई टू स्क्वायर हो गया, तो ये बना ए स्क्वायर बाई फोर, टू बाहर है तो ए स्क्वायर, ये 1/8 के ए स्क्वायर बन गया। अब टोटल एनर्जी आपको पता है 1/2 के ए स्क्वायर होती है, और काइनेटिक क्या होगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/2 माइनस 1/8, तो 1/2 माइनस 1/8 करो, तो इसमें से 8 एलसीएम आ जाएगा, 2 4 2 8 कितना, 4 माइनस 1 ये कितना बन गया, 3/8, तो काइनेटिक कितनी आ गई, 3/8 के ए स्क्वायर। इनका रेशियो निकाल लिया बस, ओके स्पष्ट है, कोई संदेह नहीं है, कूल ग्रेट, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए ये बताइए, ये तो इजी है, फास्ट बोल दो। हाँ तबस्सुम एंगल लगा के भी निकाल सकते हैं, डेफिनेटली वैसे भी निकाल सकते हैं, तबस्सुम एंगल लगा के निकाला हुआ है, देखो मैंने यहाँ से डायरेक्टली तो लिया है उठा के। डी डी जनता डी बोल रही है, तो बहुत इजी है। डी 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 4 4 4 4, सब लोग आंसर देंगे इसका फास्ट। ओके यस डी इज करेक्ट, डी करेक्ट है सबका, सबका सही है, ये तो इजी है यार। टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर, तो डायरेक्टली दिख रहा है एनर्जी जो है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, किसी को संदेह हो तो बोल देना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बोलो, ये भी इजी है बहुत, ये बच्चों वाला है, डी फॉर डॉक्टर, ये वाला बोलो फास्ट, 5 2 सेकेंड का आंसर इसका भी। बी बी बच्चों वाला यार ये तो, अंचित अनुराग जहीर, इजी है तो, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है यार। बी 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 अंचित जी सेइंग बी 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 यस बी इज करेक्ट, बी करेक्ट है। अरे यार एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है ना, तो आपको देखो क्या क्या दिया है, वाई में क्या दिया है, 10^-2 साइन 10 pi t प्लस pi/6, तो इसको कंपेयर करो, आपको एम्पलीट्यूड पूछा है, और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो एम्पलीट्यूड की जगह क्या है, 10^-2, तो ये आंसर हो गया बी, ठीक है। ओमेगा की जगह कितना, देखो यहाँ पे टी के साथ 10 pi, तो ओमेगा कितना हो गया,
टेन पाई, फाई की जगह कितना है पाई बाई सिक्स, तो फाई कितना हो गया इसका, पाई बाई सिक्स, इनिशियल फेज होगी पाई बाई सिक्स। कूल है, बी इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट, ये बताओ बी फोर बबीता, हाय बोलो इसका क्या आंसर होगा। ए तबस्सुम, जाहिर, अंचित, वन, जहीर इकबाल। ये तो बहुत इजी है बच्चों वाला, इस पे कल PYQs करेंगे, ठीक है। ये तो इजी वाले सवाल हैं, अच्छे सवाल बाद में करेंगे। ए फोर आत्माराम भिड़े, ए फोर अनु, ए फोर आलिया भट्ट, यस ए इज करेक्ट। देखो एफ होता है आपका -KX, तो एफ जो है आपके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही तो बोला है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मेन पोजीशन। माइनस का मतलब हो गया किस तरफ है फोर्स, मेन पोजीशन की तरफ, सो ए इज करेक्ट। मोशन इज नॉन पीरियोडिक, गलत है। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, गलत है। वेलोसिटी भी वेरिएबल होती है तो गलत है। ओके कूल कूल कूल। ये बताओ, ये बताइए, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM विथ एन एंगुलर वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 3.5 रेडियन पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज। बोलिए 0.61, कमलेश इज सेइंग 0.61, अंचित इज सेइंग 75/35, ए फोर अनु, बोलो इसका क्या आंसर आएगा, फास्ट बोलो। फोर्थ आत्माराम इज सेइंग बी 75/35, नहीं 75/35 नहीं आएगा, प्रांसी मिश्रा इज सेइंग बी, अभी देखते हैं। जीरो पॉइंट 6.0, बी फोर बबीता 30/49, अभी देखते हैं। अथर्वा 0.57, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा तो भाई, ए बाय ओमेगा स्क्वायर, यस यस करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। देखो कैसे,
आपको पता है एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लोगे मैग्नीट्यूड ए, तो वो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मैक्सिमम लेना है इसको, जब मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ए इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम, और एक्स मैक्सिमम कितना होता है, ए होता है। तो ए मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की जगह क्या लिख दो, ए, ये आ गया बस। तो आपका एम्पलीट्यूड पूछा हुआ ना, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा आपका, ए मैक्सिमम अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ए मैक्सिमम की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, ए मैक्सिमम दे रखा है आपको, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 7.5, तो यहाँ लिख दो 7.5 अपॉन। एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3.5, तो ओमेगा की जगह लिख दो 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर कर दो, या 3.5 इंटू 3.5 लिख दो, ठीक है। सो इसको सोल्व कर लो 5 से, ये 15 टाइम्स, ये कितने टाइम्स 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये बनेगा 15 अपॉन, फिर और सोल्व हो जाएगा ये आगे, ठीक है। देखो कैसे आगे और सोल्व कर सकते हो इसको इजीली, जैसे 5 से ही कर लो वापस से, है ना, 5 से वापस करोगे तो ये कितने टाइम्स 0.7 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये ऊपर बन गया 3, नीचे बन गया 4.9। इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 30/49, तो ये लगभग लगभग 30/50 है ना, दिस इज अराउंड 30/50 के लगभग है, ठीक है। तो ये बन गया आपका 0.6 के अराउंड आ गया आंसर, 0.61 वाला आंसर आ जाएगा, बी इज करेक्ट। समझे क्या कैसे सोल्व करना है, इजी है। बी फॉर बिल्ला, यस कूल, आई होप दिस इज क्लियर। किसी को संदेह है तो प्लीज बोलिएगा। देखो ज्यादा बिना कैलकुलेटर के सोल्व कर सकते हो आप इजीली, कुछ भी नहीं करना है। बोलो किसी को तकलीफ है क्या, कूल ठीक है, बोल देना किसी को दिक्कत हो तो। ओके हनी बनी कूल, चलो ये बताओ नेक्स्ट। थ्री फोर, अंशित इज सेइंग एक आंसर दो भाई, मोनिका इज सेइंग डी, अंशित इज सेइंग सी, सी सी डी, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ये तो इजी है यार, सी सबको पता है 2.√m/k होता है। देखो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख रखा ना m d2y अपॉन dt2, मैंने बताया था, प्लस ky बराबर 0 दे रखा है। तो m को कॉमन लेके 0 में भेज दो यहाँ से, तो m को कॉमन लेके 0 में भेजोगे तो क्या बनेगा, d2y अपॉन dt2 प्लस ky/m इंटू y इज इक्वल टू 0, ये आपका ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इज ky/m। सो ओमेगा कितना हो गया आपका, अंडर रूट के बाई एम, सो टाइम पीरियड टी इज 2π/ω, तो ओमेगा के लिए लिख दो अंडर रूट के बाई एम, तो क्या बन जाएगा 2π√m/k, सो दिस इज द आंसर, कूल। सो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बताओ
फर्स्ट एम्पलीट्यूड इज गिवन 10 सेंटीमीटर व्हेन द पेंडुलम इज एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट इज बोलो फोर्थ अथर्वाई सेइंग सी हनी बनी सेइंग फोर हाँ कमलेश वही किया है मैंने वही तो किया यार जनरल एसएचएम के इक्वेशन से कंपेयर करके किया है 84/16 वन कमलेश इज सेइंग वन बी हनी बनी सिंह फोर कुमार अजय टू अभी देखते हैं ए ऑप्शन बोल रहे हैं यस ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट देखो कैसे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है काइनेटिक एनर्जी को लिखते हो आप हाफ के ए स्क्वायर टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ के एक्स स्क्वायर टोटल में से पोटेंशियल निकाल दी तो क्या आ जाएगी काइनेटिक आ जाएगी ना यार आपके पास तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आपको रेशियो पूछा है ना काइनेटिक और पोटेंशियल का तो काइनेटिक डिवाइडेड बाई पोटेंशियल तो यहाँ से लिख दो काइनेटिक है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर तो देखो हाफ के से हाफ के कैंसिल आउट हो गया तो क्या बना रेशियो आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर सिंपली ये रेशियो है ठीक है इजीली तो ए देखो कितना गिवन है प्रॉब्लम में ए इज गिवन 10 एक्स इज गिवन 4 ए इज 10 एक्स इज 4 ये ऐसा गिवन है तो 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर कितना बना 100 माइनस 16 84 अपॉन 16 इसको 4 से कैंसिल आउट होगा 21/4 ये कितना बन जाएगा 5.25 ठीक है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इजी है यार ये इसमें किसी को दिक्कत थोड़ी है यस यस कमलेश करेक्ट बोलिए इसमें किसी को परेशानी है क्या चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं ये बताइए हेलो सुमन मीना हाय बोलो फास्ट इसका क्या आंसर आएगा फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम द काइनेटिक एनर्जी के इज गिवन बाई के इज इक्वल टू के नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज थ्री कुमार अजय 525 क्या है भाई ओके प्रांसी अर्चित अंचित सेइंग टू आत्मारा में सेइंग थ्री ओके सुमन जहीरी सेइंग सी प्रांसी मिश्रा इज सेइंग सी हनी बनी सेइंग बी अभी देखते हैं क्या आना चाहिए सी कमलेश इज सेइंग टू
बी फोर भिड़े आत्माराम, बी फोर बबीता। यस बी इज करेक्ट, बी सही है। सब लोगों का, काफी लोगों ने बी आंसर दिया। देखो कैसे, तो कोस साइन में देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हो। एक्स को मैंने बताया था आपका होता है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी रख दो, तो बोलो क्या बनेगा, ये हाफ के ए स्क्वायर और साथ में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसमें से हाफ के ए स्क्वायर तो आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बना, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी होगा ना यार, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कितना बन गया, 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होती है, 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और सवाल में क्या दे रखा है, प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपको, देखो प्रॉब्लम में गिवन है के नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसके इक्वल कर दो, के नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मतलब के नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ के ए स्क्वायर आ गई। सो के नॉट इज सिंपली हाफ के ए स्क्वायर। और आपको पता है के नॉट अगर हाफ के ए स्क्वायर है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है, टोटल एनर्जी के इक्वल होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल ही होती है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, के नॉट के। इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, के नॉट हो सकती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलिए इसमें किसी को तकलीफ है क्या, हाँ ऐसे भी निकाल सकते हो, इसके बिना भी कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, के नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, कोस की वैल्यू 1 होती है तो कितनी होगी, के नॉट होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, इसके इक्वल ही होगी, कितने, के नॉट। ठीक है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ईजी है सारी चीज़ें। ओके हाँ कमलेश, यही मैं बोल रहा हूँ, देखो के इज के नॉट ओमेगा स्क्वायर टी। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू, कोस की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम तो के नॉट होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू भी कितनी होगी, के नॉट। और ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, सो देट आपको दिमाग में रहे कि के नॉट का क्या मतलब है, कैसे क्या आता है ना। ठीक है हाँ कमलेश, ये बोलिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, ए फोर अल्लाह तबस्सुम इज सेइंग ए, स्टाइलिश स्ट्राइकर इज सेइंग फोर, मोनिका इज सेइंग ए, हनी बनी इज सेइंग फोर, प्रतीक्षा इज सेइंग ए, अंचित इज सेइंग फोर्थ। कमलेश इज सेइंग फोर, प्रांसी इज सेइंग फोर, जहीर इकबाल इज सेइंग फोर। यस कैसे बताएं, क्यों तुझको चाहें यारा बता ना पाए, गाने नहीं गाने, कमलेश बाजिया 5/2। यस करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। देखो कैसे सिंपली, आपको एक्स क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी वो कितना होता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। फिर एक्सेलरेशन निकालने होता है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो इसको, ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओमेगा स्क्वायर
कोस पाई बाई टू प्लस थीटा, ये होता है आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो देखो ये तो है ओमेगा टी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में पूछा है ना, ये तो है ओमेगा टी और ये कितना है पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, तो इनमें डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई बाई टू, तो द डिफरेंस इज पाई बाई टू, डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पाई बाई टू यानी 0.5 पाई। कूल है, करेक्ट, इजी था, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बोलिए, वरना आगे बढ़ते हैं, वेरी इजी। चलो ये बताओ फास्ट, ये देखो ये पिछले बार सवाल आ गया सेम, पिछले बार वाला सवाल है सेम, लास्ट टाइम वाला ही। एक चीज़ और ऐड कर दी है, बाकी सेम है पिछले बार वाला ही। टू 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 बोल रहा है अंचित, इज सेइंग टू। हाँ क्यूट क्यूट क्वेश्चंस हैं जहीर इकबाल, बहुत इजी। पी वाई क्यूज और इस पर डिफिकल्ट प्रॉब्लम करेंगे एस एच एम पे, है ना, बी फोर बबीता, आत्माराम इज सेइंग बी फोर बबीता, प्रांसी इज सेइंग बी, तबस्सुम इज सेइंग थ्री, अंचित इज सेइंग, अंचित ने क्या बोला है बी, कमलेश इज सेइंग बी, बी बी इजी है बहुत, नीट स्टूडेंट इजी, लूसी फॉर बी फॉर विनोद, वृंदा इज सेइंग बी, जहीर इकबाल बी, सवेक्सा इज सेइंग बी, मोनिका राज इज सेइंग बी, गेली कागा, आज कोई मराठी नहीं बोल रहा, इतना सरल सर, ये भाई तुम सबका गलत है, सबका गलत है, रॉन्ग, जिसने भी आंसर दिया है सबका गलत है, रॉन्ग, सबका गलत हो गया है। इजी था देखो, फिर भी गलत हो गया सबका, किसी का करेक्ट नहीं है ये, एक जने का सही है, तबस्सुम आपका करेक्ट है डेफिनेटली, बाकी सबका गलत है, तबस्सुम के अलावा सबका गलत है। बी फॉर भैंस नहीं, सी फॉर केट, के नॉट एंड के नॉट इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई अभी तो बताया ये रहा पिछले बार वाला सवाल, यहाँ देखो के नॉट की वैल्यू कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर आई है, देखो इसलिए बता रहा था मैं कि ये वाला मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाला मेथड से ये सवाल तो हो गया, बट दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट। के नॉट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, हाफ के ए स्क्वायर आई ना, तो के नॉट हाफ के ए स्क्वायर वैल्यू आई क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका जानते हो ये होता है, हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, के नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सो इसको इक्वल करो के नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ से के नॉट की वैल्यू क्या आ गई, हाफ के ए स्क्वायर। ओके, तो के नॉट की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या पूछा है, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और टोटल एनर्जी, ये तीनों इक्वल होती है, वो कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर होता है, इसका मतलब हाफ के ए स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पे के नॉट के, तो के नॉट ही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, के नॉट ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, के नॉट ही टोटल एनर्जी होगी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है क्या, सबका गलत हो गया, दिमाग तुमने लगाया नहीं इस वजह से। समझे क्या, तबस्सुम आपका सही था, बोलो गलत क्यों हो गया, समझ में आया क्या तुम सबको, हाँ तबस्सुम आपका सही था, बाकी सबका गलत हो गया, ये समझी गए हो भाऊ, समझी गए हो, नीट स्टूडेंट।
कमलेश बाजी आपका गलत हो गया। देखा गया क्यों गलत हुआ, ये मैंने पूरा मेथड बताया था जिससे आपका गलत होने का कोई चांस नहीं बनेगा। कोई भी सवाल है ना, ले जा रे आधी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, ये कौन गाने गा रहा है भाई इधर। ओके ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मोशन ऑफ स्फेरिकल स्फेयर इनसाइड ए स्मूथ कर्व्ड बाउल व्हेन रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर पॉइंट इज। रहान गा रहा है, ओके बोलिए फास्ट फास्ट बोलिए, फास्ट फास्ट आंसर दे, इसका क्या आंसर आएगा। फोर्थ, प्रतीक्षा इज सेइंग फोर, नीट स्टूडेंट इज सेइंग ए। देखो क्या है, सवाल ये है कि ये आपका ऐसे स्फेरिकल बाउल है ऐसे, है ना, ऐसे यहां मान लेते हैं इसकी रेडियस है, तो आपको बोला है कि यहां से एक स्फेयर को, यहां से इसको मैंने ऐसे लेके छोड़ दिया, तो इसकी मूवमेंट जो है, इसका मोशन होगा वो क्या होगा। फोर्थ, कमलेश इज सेइंग फोर्थ, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर अगर हो। सर तुम ही मराठी सीख ले इसका। हाँ लूसीफर, तबस्सुमी सेइंग ए, जहीरी सेइंग टू, इंडियन मैन इज सेइंग थ्री। ए सवेक्षा कादियानी सेइंग ए, जहीर इकबाल इज सेइंग ए। यस ए वाली जनता करेक्ट है, ए करेक्ट है। देखो ये इधर लेके जाओगे ना तो एसएचएम करेगा ऐसे ऐसे, थोड़ा सा ऊपर लेके गए स्लाइटली तो ऐसे ऐसे, और इसका टाइम पीरियड आता है 2π√r/g। ओके रेडियस आर है, ठीक है, तो दिस इज एसएचएम, यहाँ से लेके गए बाउल को इधर, तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे 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 ऐसे। नाव में झूले खाए ना कभी, नाव में झूले, वैसे ये झूले खाएगा, एसएचएम करेगा। ओके कूल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विच स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द मीन पोजिशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द मीन पोजिशन, द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन। कौन सा करेक्ट है बताना है इसमें से। हाँ नीट स्टूडेंट आपका करेक्ट था। आत्माराम फोर नहीं होगा ब्रो, एसएचएम होगा, एसएचएम एसएचएम है, दिस इज एसएचएम। देखो ये बोला है कि बहुत स्लाइटली अबो बोला है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, इस वजह से एंगुलर एसएचएम होगा इसका, ठीक है। कमलेश देखो क्या बोला है, स्मूथ कर्व्ड बाउल, देखो स्मूथ कर्व्ड बाउल इसका मतलब फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है इसका मतलब एनर्जी क्या सा रहेगा, कंजर्व रहेगा, इसकी वेलोसिटी कभी भी कम नहीं होगी, ये
हमेशा, इन्फिनिटी, हमेशा के लिए, जीवन भर, शाश्वत रूप से एसएचएम करता रहेगा। देखो ऐसा होता नहीं, बट सवाल में दिया ना, स्मूथ कर्व्ड बाउल है तो फ्रिक्शन जीरो है, तो एनर्जी जीरो ही नहीं होगी। ओके कमलेश, समझे? वेलोसिटी कम नहीं होगा, समझे कमलेश? बोलो इसमें तकलीफ है क्या किसी को? कमलेश एंड आत्माराम। और ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए एसएचएम होगा। अगर बोल देते बहुत दूर से तो एसएचएम नहीं होता है। ओके फिर पीरियोडिक हो जाता, अगर ये डिस्प्लेसमेंट स्लाइटली नहीं होता, अब वो नहीं होता। ये बोलो इसका। चलो इसका आंसर बोलो फास्ट। बी ऑप्शन क्यों आना चाहिए? नॉन पीरियोडिक मोशन थोड़ी है, पीरियोडिक मोशन होता है। एस एच एम इज पीरियोडिक मोशन ब्रो, एस एच एम इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके ठीक है, तो पीरियोडिक भी है ये। पीरियोडिक एस एच एम सारी पीरियोडिक तो होती है। ठीक है आत्माराम, आई होप आत्माराम ये कूल करेक्ट हो गया कि तुम्हें समझ आ गया है। बोल देना कोई डाउट हो तो फिर से। ए जहीर इकबाली सिंह, ए तबस्सुमी सिंह, ए इंडियन मैनी सिंह, बी नीट स्टूडेंट सिंह, बी फर्स्ट ए ए बृंदा सिंह, ए ए ए सर्वेक्षा कादयानी सिंह, ए ए फॉर अन्वी। यस करेक्ट, ए इज करेक्ट, सबका सही है ये। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजिशन, ये तो सबको ही पता है यार। ये माइनस ए होता है, ये प्लस ए होता है, ये आपका मीन पोजिशन होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ वी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यहाँ वी कैसा होता है? जीरो होता है। यहाँ भी वी कैसा होता है? जीरो होता है। ठीक है, और यहाँ पे ए कैसा होता है? ए मैक्सिमम होता है, ए इज ए मैक्सिमम। यहाँ भी ए कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। फोर्स भी यहाँ कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। यहाँ फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। यहाँ ए कितना होता है? जीरो होता है। यहाँ ए कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। यहाँ फोर्स कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। समझे? काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है क्योंकि वी जीरो है। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है क्योंकि वी जीरो होता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। कितनी होती है? जीरो। सारी चीज़ें मैंने बता दी, सो आई होप दिस इज क्लियर। आत्माराम, ऑल द एस एच एम आर पीरियोडिक मोशन। ओके आत्माराम, एस एच एम है तो पीरियोडिक तो है ही है। एस एच एम इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर एस एच एम। कूल, क्लियर है ना? ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज कॉन्स्टेंट, रॉन्ग, बदलती है। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन, नो। एक्सेलरेशन तो जीरो है तो ये भी रॉन्ग। द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, रॉन्ग। हमेशा किधर होता है? मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बोलो। सर कहा है आंसर आएला? इसका क्या आंसर होगा बोलिए? ये भी मैंने बताया था, ग्राफ पढ़ाए थे मैंने एसएचएम में अभी 2 दिन पहले, तब बताया है। बी अथरवाइज सेइंग बी, तबस्सुमे सेइंग बी, रामशरण प्रजापति सेइंग ए, बी फॉर बिल्ली, वृंदा सिंह बी, मोनिका सिंह डी,
एच वृंदा सिंह बी, यस बी इज करेक्ट, बी होगा यार, इजी है। हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती है तो पैराबोलिक, काइनेटिक एनर्जी में माइनस आता है नीचे तो ऐसा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का ये ग्राफ, ओके तो बी इज करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का पैराबोला कैसा होता है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला पैराबोला पोटेंशियल का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के साथ माइनस है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला, मतलब उल्टा पैराबोला, ऐसा वाला पैराबोला आएगा। ओके सो बी इज करेक्ट। यस आत्माराम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और माइनस का मतलब है मीन पोजिशन की टूवर्ड्स है। ठीक है, एसएचएम से कोटा फैक्ट्री याद आता है, एसएचएम, कोटा फैक्ट्री में एसएचएम था क्या? कोटा फैक्ट्री में एसएचएम कहाँ से आ गया, था क्या, भूल गया मैं। ओके ये बोलो, अथर्वा कोटा फैक्ट्री देखा होगा, मजे ले रहा है तू है। अरान तुम्ही दोगे दिवस भर बोलात वास्ता, मजे क्या बोलाए तूर्थ नहीं, मजे बोलत जाऊ नका दोगे अपन। हाँ सर्कुलर और रोटेशनल था। ए अथर्वाई सेइंग ए, अभी देखते हैं। बी ऑप्शन बी, ए अभी देखते हैं, बी आएगा कि ए आएगा। ओके बी आएगा कि ए आएगा, बी या ए में से एक आएगा ना, इजी है। देखो ए ऑप्शन आएगा, ए इज करेक्ट अथर्वा, यस। देखो ए टी बाई बोला कि डज नॉट चेंज विद टाइम, तो ए टी बाई वी को देख लीजिए, ए टी अपॉन वी, तो इसकी डायमेंशन से पता लग जाएगा। देखो वी क्या होता है, वी होता है मीटर, ए की डायमेंशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एल टी माइनस टू। ठीक है, ऊपर टाइम की डायमेंशन होगी टी, वी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। ठीक है, तो टी अब नीचे आएगा तो क्या बनेगा, देखो एल टी माइनस टू, एक नीचे आएगा तो ये भी बन जाएगा एल टी माइनस टू, तो ये देखो ना एल है ना टी है, इसकी डायमेंशन कितनी है, जीरो है। इसका मतलब टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इसका मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। बाकी देख लेना, बाकी में सब में टाइम की डायमेंशन आएगी, इसका मतलब ये सब वेरी करेंगे, तो दीज ऑप्शन विल बी रॉन्ग, ऑप्शन वन विल बी करेक्ट। कूल, हाँ यूनिटलेस बन रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ए में, एग्जैक्टली। ओके ओके बी नहीं होगा आत्माराम, ए होगा। बी में देखो, बी में एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, टी की होती है टी, एक्स की होती है एल, एल एल कट जाएगा, टी की पावर माइनस वन बच गया, मतलब टी पे डिपेंड कर रहा है, बी नहीं होगा, ए होगा। ओके सो थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम 2-3 दिन में क्लास 12th की चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, 12th स्टार्ट करेंगे बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, टेक केयर।
यू कैन डाउनलोड एन अकेडमी ऐप एंड यू कैन फॉलो मी देयर। ओके, एन अकेडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रोफाइल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? वहाँ से आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके, और वहाँ मेरे को आप डाउट्स भेज सकते हैं अपने। यू कैन टेक्स्ट मी देयर, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर टेक्स्ट। ओके, आप मेरे को डाउट्स पूछ सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। सी यू गाइज एट 3 PM टमोरो, 3 बजे मिलते हैं वापस। बाय। बाय अथर्वा, बाय दिव्या, बाय आत्माराम, बाय गोल्डन सॉल, बाय आत्माराम। 4π² / t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? कहाँ पे 4π² / t कहाँ है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय। प्रतीक्षा, आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिए प्लीज, आप जाके देख सकते हैं डेफिनेटली। बाय बृंदा, बाय रिया, बाय गोल्डन साउल, बाय तबस्सुम, बाय बाय दिव्या सोनवानी। नहीं प्रतीक्षा, थर्मल फिजिक्स अभी कराएंगे। बाय लूसीफर, बाय एवरीवन, बाय, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस एट 3 PM टुमारो। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आत्माराम एक्स के टर्म में क्या किया? एक्स एल है ना, एक्स एल है, एक्स की डायमेंशन एल लिख दी मैंने, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, t-2t, t-1 बच गया। ओके आत्माराम, बाय मोनिका, बाय। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय। आई एम एंडिंग दिस सेशन फ्रॉम माई एंड।